और रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। मसालेदार सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुंदरू को अच्छे से धो लिया था और इस तरीके से टुकड़ों में लंबा लंबा काट लिया है। अब हम एक कढ़ाई में सरसों तेल गरम करेंगे और थोड़ा सा मैंने जीरा छौंक लगा दिया है और एक बारीक हरी मिर्च काट के इसमें डाल दिया है। इसके बाद में इसमें जो सब्जी हमारा उसको हम डाल देंगे और इसे हमें धीमी आंच में बहुत ही अच्छी तरीके से पका लेना है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे जिससे क्या होगा, कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। और हमें इसे स्टर फ्राई करना है तो इसमें हम थोड़ा सा भी पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और धीमी आंच में इसे पकने देंगे। कुंदरू को पकने में वक्त लगता है तो हमें इसे धीमी आंच में ही ऐसे ही रख देना है और ऊपर से मैं इसे ढक दूंगी और 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच में इसे पका लूंगी। नेक्स्ट हम मसाले की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हम हमारे मसाले में एक ट्विस्ट देंगे और यहाँ पे मैंने नारियल का यूज़ किया है। इससे जो ये सब्जी है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और एक अलग ही ट्विस्ट आ जाता है इसमें। यहाँ पे मैंने एक नारियल का आधा टुकड़ा लिया है और इसको हमें पीस लेना है इस तरीके से। देखिए अब आप देख सकते हैं नारियल हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से बारीक बारीक एकदम ही महीन पीस गया है। और इसको पीसते वक्त आपको थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना है, नहीं तो नारियल क्या होगा, बिल्कुल ही पेस्ट बन जाएगा। और हमारा यहाँ सब्जी देखिए आधा पक चुका है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच के करीब। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आधा चम्मच जैसा धनिया पाउडर डाल दूंगी। साथ ही साथ इसके मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। और पूरे सब्जी को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेना है। जब आप ये सब्जी बनाएं तो बिल्कुल ही धीमी आंच रहना चाहिए। अगर फुल आंच में बनाएंगे आप तो सब्जी अंदर से कच्चा रहेगा, तो हमें इसे धीमी आंच में पकाना है। नेक्स्ट मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मिला दूँगी और इसे हमें बार बार चलाते रहना है और धीमी आंच में इसे बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा होने तक पका लेना है। अब मैं नेक्स्ट इसको ढक दूंगी और ढक के 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से इसे अच्छे तरीके से पकने दूंगी। 2 से 3 मिनट बाद फिर हमें चेक करना है। देखिए हमारा जो सब्जी है बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। देखिए इसमें एक सुनहरा कलर अब आने लग गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने नारियल पीस के रखा था वो हम इसमें मिला देंगे। इस स्टेज में मिलाने से क्या होगा, नारियल को पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और हमारा सब्जी 3/4 पक चुका है तो ये बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो जाएगा। अभी देखिएगा हमें नारियल को अच्छी तरीके से मिला लेना है। नारियल से बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है, बिल्कुल ही स्टर फ्राई टेस्टी। और इसको अब हम ढक देंगे, ढक के 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। देखिए गर्मा गर्म हमारा सब्जी बन के रेडी हो गया है। इसे जस्ट हम 1 मिनट तक और रखेंगे और फिर गैस को नीचे से ऑफ कर देंगे और हमारी सूखी मसालेदार सब्जी बनके रेडी हो गया है, जिसको बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा हमें। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और ये रेसिपी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।